आज पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। पंजाब में आज आम आदमी पार्टी करेगी राज्यपाल से मुलाकात। राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और आप पंजाब सीएम कैंडिडेट भगवंत मान का बड़ा बयान सामने आया। इस बीच पंजाब सरकार की नई कैबिनेट में 17 मंत्री शामिल होंगे। उन्होंने कहा है शहीद भगत सिंह के गांव में सीएम पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद से अब सीएम पद के दावेदार भगवंत मान ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके कैबिनेट में 17 मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वो शहीद भगत सिंह के गांव में लेंगे। तो आज राज्यपाल से मुलाकात होगी जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा भगवंत मान की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के साथ ईशा ठाकुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं चंडीगढ़ से। ईशा, जिस तरह से आज भगवंत मान मुलाकात करेंगे राज्यपाल से, इसके बाद मुलाकात के बाद वो जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, इन सब के बीच क्या कुछ और जानकारियां? राज्यपाल जो बनवारी लाल पुरोहित हैं पंजाब के राज्यपाल, उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी को दिया गया है। और भगवंत मान जिन्हें बीते कल विधायक दल का नेता चुना गया था 10:30 बजे पंजाब राजभवन पहुंचेंगे। और इस वक्त हम पंजाब राजभवन में ही मौजूद हैं। आधे घंटे बाद भगवंत मान यहां पर आने वाले हैं और सरकार बनाने का दावा वो पेश करेंगे। और इसके साथ ही कल एक रोड शो अमृतसर में निकाला जाएगा और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी उस रोड शो में मौजूद रहेंगे। 16 तारीख को शहीद भगत सिंह का जो पैतृक गांव है खटखट कला, वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे जो भगवंत मान है वो। और इसी के साथ ही क्योंकि 16 मंत्री भी शामिल रहेंगे पंजाब की जो नई कैबिनेट होगी उसमें से भगवंत मान जहां मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इसमें माना जा रहा है कि 16 तो मंत्री साथ में शपथ नहीं लेंगे, उनमें से 5 से 8 जो नए चेहरे हैं वो मंत्री पद कैबिनेट मंत्री पद की शपथ जो भगवंत मान है उनके साथ ले सकते हैं। और बाकी बचे जो क्योंकि 16 मंत्री रखे जाएंगे कैबिनेट के, उसमें से 5 या 8 जो नए चेहरे हैं कैबिनेट के मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बाकी बाद में इसे जो है शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें, यहाँ पर 25 मिनट का वक्त रह चुका है। भगवंत मान 10:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, सरकार बनाने का दावा दिखती यहाँ पर पंजाब के राज्यपाल के। ईशा, एक बार जरा दर्शकों को क्लियर करें क्योंकि अभी आपने कहा कि 16 मार्च को वो शपथ ग्रहण करेंगे, इससे पहले तारीख जो है तय की गई थी 13 मार्च के लिए। देखिए दीप्ति, 13 मार्च जो है वो निर्धारित किया गया है, एक बड़ा रोड शो निकाला जाएगा। विक्ट्री मार्च जो है जो आम आदमी पार्टी है उनकी तरफ से निकाली जाएगी, क्योंकि 2017 में भी आम आदमी पार्टी पहली बार पंजाब चुनाव मैदान में उतरी थी लेकिन वो सपना नहीं पूरा हो पाया था पंजाब में सत्ता में काबिज होने का। लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत से कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार बनी है। ऐसे चेहरे यहाँ पर पंजाब की राजनीति में विधायक बन गए हैं आम आदमी पार्टी के जिनकी राजनीति कोई पृष्ठभूमि नहीं है। 13 तारीख को एक मेगा रोड शो आम आदमी पार्टी की तरफ से अमृतसर में निकाला जाएगा। भगवंत मान मुख्यमंत्री का चेहरा जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं पंजाब के वो मौजूद रहेंगे, आप सुप्रीमो मौजूद रहेंगे, इसके अलावा जो 92 उम्मीदवार जीते हैं वो मौजूद रहेंगे। रोड शो 13 तारीख को निकाला जाएगा और 16 तारीख को शहीद भगत आजम का जो पैतृक गांव है खटखट कला वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। 16 मार्च को समारोह होगा, वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। और उनके साथ माना जा रहा है कि 5 या 8 मंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। और कुल मिलाकर पंजाब की नई जो कैबिनेट होगी उसमें मुख्यमंत्री समेत 16 मंत्री रहेंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा।